वीडियो विद द फिजिकल वेदरिंग. फिजिकल वेदरिंग आपका वन ऑफ द टाइप ऑफ वेदरिंग है. बेसिक थ्री टाइप्स ऑफ वेदरिंग होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल. मैंने इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट डाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्स. नाउ फिजिकल वेदरिंग, इट इन्वॉल्व्स द मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द मिनरल्स एंड द रॉक्स बाय वेराइटी ऑफ प्रोसेसेस. हैंस द फिजिकल वेदरिंग इज ऑल्सो नोन एज अ मैकेनिकल वेदरिंग. इट अकर्स वैन द रॉक इज फ्रेगमेंटेड बाय द फिजिकल प्रोसेसेस. इट डज नॉट इन्वॉल्व चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द पेरेंट रॉक. फिजिकल वेदरिंग नाम से ही थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल है क्या, कि अगर कोई फिजिकल प्रोसेस या कोई फिजिकल एक्शन हो रहा है किसी रॉक पे, जिसकी वजह से उसका डिसइंटीग्रेशन, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाना, अगर ऐसा हो रहा है तो वो फिजिकल वेदरिंग के अंदर आएगा. ठीक है, अब वो मैकेनिकल एक्शंस कैसे हो सकते हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, आपका फ्रीज इन थॉज हो गया, ठीक है, या अप्लाइंग अ हैमर हो गया, तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो फिजिकल वेदरिंग के अंदर आता है. अब जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है मिनरल्स का जिससे और रॉक का बाय वेराइटी ऑफ प्रोसेसेस, उसके अंदर क्या आता है, फिजिकल वेदरिंग आता है. एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ, फिजिकल वेदरिंग के अंदर क्या आता है, आपके फिजिकल प्रोसेसेस से जब डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक का, तो वो फिजिकल वेदरिंग के अंदर आता है. ओके, आगे बढ़ते हैं हम. टेम्परेचर इसका पहला पार्ट है. अब टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है फिजिकल वेदरिंग को, और वो फिजिकल के अंदर क्यों आता है. देखिए, टेम्परेचर आपका केमिकल के अंदर तो नहीं आएगा, बिकॉज इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा पेरेंट रॉक के संग. उन प्रोसेसेस से जिनसे केमिकल चेंज नहीं हो रहा, जो कंपोजिशन है पेरेंट रॉक का, उसके अंदर अगर कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, तो वो फिजिकल वेदरिंग के अंदर आएगा. ठीक है, अब टेम्परेचर से क्या होता है, जब हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तो जो रॉक होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं. ऑल दो इट इज़ नॉट विजिबल, बट वो बहुत धीरे धीरे एक्सपैंड ज़रूर करते हैं. एंड लेटर ऑन एट द नाइट टाइम जब टेम्परेचर नीचे गिरता है, तो वही रॉक जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग दिस प्रोसेस रिपीटेड कंटिन्यूसली, एंड विद द रिपीटेशन ऑफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूसली लीड्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक. कैसे, बार बार एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन करते करते जो रॉक्स होती हैं वो वीकर हो जाती हैं. वीकर होने की वजह से उनमें वेदरिंग अच्छे से हो जाती है. वेदरिंग अच्छे से होने की वजह से डिसइंटीग्रेशन. लाइन टू लाइन रीड करते हैं हम. द रॉक्स एक्सपैंड विद द राइज ऑफ द टेम्परेचर, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग लाइक एनी अदर सब्सटेंस और मटेरियल. ड्यूरिंग द डे टाइम द टेम्परेचर राइजेज एंड द नाइट आर कोल्ड. डिफरेंट रॉक्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंटली बिकॉज ऑफ द वेराइंग मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन अकॉर्डिंगली एज द स्ट्रेस इज डेवलप डिफरेंटली विद द रॉक्स कंस्टिट्यूएंट्स मिनरल्स आर अफेक्टेड डिफरेंटली. तो वही चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी अभी अभी, और इसमें थोड़ी एक एडिशनल चीज़ क्या है कि अलग अलग रॉक्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से वेरी करती हैं, अलग अलग तरीके से बिहेव करती हैं ऑन द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर के इम्पैक्ट से. क्यों अलग अलग बिहेव करते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन होता है. ठीक है, द डार्क कलर्ड मिनरल्स एब्जॉर्व मोर हीट देन द लाइट कलर्ड मिनरल्स एंड हैंस मे बी मोर अफेक्टेड. अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस आर मोर इम्पॉर्टेंट इन डेजर्ट एंड हाई माउंटेन्स बिकॉज ऑफ द रॉक्स आर बैरन. स्ट्रेन डेवलप ड्यू टू द अनईक्वल एक्सपेंशन गिविंग राइज टू द क्रैक्स एंड फ्रैक्चर्स. ठीक है, तो जो डार्क कलर्ड होते हैं, एज वी ऑल नो जो ब्लैक कलर है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बिंग पावर ब्लैक की होती है. रॉक्स के कंपैरिजन में भी यही होता है. अब ब्लैक रॉक तो मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट द डार्क कलर्ड रॉक्स जो होती हैं वो ज़्यादा इंटेंसली ज़्यादा हीट को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करती हैं देन द लाइट कलर्ड मिनरल्स, जिसकी वजह से क्या होता है उन पर वेदरिंग का ज़्यादा असर पड़ता है, ज़्यादा एक्सपेंशन होता है. ठीक है, और ज़्यादातर एक्सपेंशन जो है और कॉन्ट्रैक्शन जो है, मतलब कि वेदरिंग का जो इफेक्ट है, वो डेजर्ट और हाई माउंटेन्स में होता है, क्योंकि वहाँ पर एक तो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है और रॉक जो है वो बैरन होती हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. प्रेशर रिलीज, प्रेशर रिलीज में क्या आता है, मान लीजिए एक रॉक के ऊपर बहुत सारा लोड है, अब लोड रखा हुआ है बहुत सारा, एंड सडनली द लोड डिक्रीजेस, या फिर लोड हटाई दिया, डिक्रीज नहीं किया मतलब बिल्कुल हटाई दिया, तो क्या होगा, वो जो रॉक होगी जो जिसके ऊपर पहले बहुत सारा लोड था, अचानक से लोड हटने की वजह से उसके कंपोजिशन में, उसके जो फिजिकल स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस तो ज़रूर आएंगे. उसकी वजह से भी क्या होती है, फिजिकल वेदरिंग. रॉक्स आर ब्रिटल एंड दे टेंड टू ब्रेक ओवर दी व्हेन दी ओवरलाइंग प्रेशर इज रिलीज्ड ड्यू टू द अपलोडिंग और द ओवरबर्डन. द प्रेशर रिलीज्ड लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स एंड जॉइंट्स. एक्सफोलिएशन इज द फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस इन विच द लार्ज फ्लैट और अ कर्व्ड शीट्स आर डिटैच्ड फ्रॉम द आउटक्रॉप. दीज शीट्स मे लुक लाइक लेयर्स ऑफ पील्ड ऑनियन. द प्रोजेक्शन एंड द कॉर्निया are affected to maximum. The hills become dome-shaped
एंड द बोल्डर्स बिकम राउंडेड. प्रेशर रिलीज में वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, रॉक्स जो होती हैं ब्रिटल होती हैं. व्हाट मीन बाय ब्रिटल? ब्रिटल मीन्स जो रॉक्स पे अगर कोई मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो बिखर जाएँ, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएँ, इसी प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस कहते हैं. तो रॉक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? ब्रिटल होती हैं. एंड दे टेंड टू ब्रेक. वो क्या होती हैं? तो जब आप ओवरलाइन प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, ठीक है. अब जो प्रेशर जो है वो रिलीज होगा अगर, उसकी वजह से क्या होगा, रॉक्स के अंदर फ्रैक्चर्स, क्रेविसेज, जॉइंट्स का क्रिएशन होगा, ठीक है, जिनकी वजह से क्या होगा, जितने ज़्यादा फ्रैक्चर्स, जितने ज़्यादा जॉइंट्स, उतना ज़्यादा अच्छा वेदरिंग. नाउ एक्सफोलिएशन एक टर्म आता है इसके अंदर. एक्सफोलिएशन एक वेदरिंग प्रोसेस है जिसमें लार्ज फ्लैट और अ कर्व्ड सरफेस जो होते हैं वो आउटक्रॉप से डिटैच हो जाते हैं. आउटक्रॉप मतलब कि किसी सॉइल के ऊपर अगर जो स्टोनी एरिया रह जाता है, ठीक है, मान लीजिए आपका क्या है, ये एक स्टोन, एक आपका लैंड है, ठीक है, ये सरफेस. अब इसके अंदर, इस सरफेस के अंदर स्टोन होगा या रॉक होगी. अब ये अंदर वाला सरफेस तो आपको इनविजिबल होगा, सॉइल के अंदर है, ये सरफेस आपको दिखेगा. अब इसी सरफेस को हम आउटक्रॉप कहेंगे, ठीक है, तो दिस इज़ आउटक्रॉप. आगे बढ़ते हैं हम. एक्सफोलिएशन हमने एक्सप्लेन कर दिया. दी शीट्स में लुक लाइक अ लेयर्स ऑफ ऑनियन पील्स, ओके, एंड द प्रोजेक्शंस इन द कॉर्निया आर अफेक्टेड टू मैक्सिमम. और जो प्रोजेक्टेड एरिया होता है रॉक का वो ज़्यादा अफेक्ट होता है. नेक्स्ट, अब्रेशन. दिस हैपन्स व्हेन द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स कैरीड बाय विंड, वाटर और आइस कोलाइड विद द लार्जर रॉक्स. व्हेन द रॉक पार्टिकल्स कोलाइड विद द अनदर रॉक पार्टिकल्स और अ स्टेबल रॉक मास, इट लीड्स टू द ग्राइंडिंग ऑफ ऑन देयर सरफेस. Blowing wind and the running water are usually laden with the suspended particles that can abrade any surface they encounter. Means abrasion का क्या मतलब होता है? अब weathering हो गई किसी rock की तो उसके जो छोटे छोटे particles हैं वो आगे अपने root पर बढ़ते बढ़ते जो big big masses of rocks हैं उनसे strike करेंगे, उनसे collide करेंगे. Collide करने की वजह से उन rocks का भी कुछ disintegration होगा और उसी process को हम abrasion कहते हैं, ठीक है. जब ये रॉक पार्टिकल्स, छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स जब कोलाइड करते हैं, स्टेबल रॉक्स के संग कोलाइड करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ग्राइंडिंग होती है ऑन देयर सरफेसेस, ठीक है. अब जो ब्लोइंग वाटर है और जो रनिंग वाटर है, इट यूजुअली लेडन विद द सस्पेंडेड पार्टिकल्स. उसके अंदर क्या होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एब्रेड करते जाते हैं सरफेस को. एब्रेड को आप समझ लीजिए घिसना एक तरीके से. तो जो लार्जर रॉक मासेस होते हैं उसके ऊपर जो छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से उन लार्जर रॉक मासेस का भी डिसइंटीग्रेशन होता है. नाउ फोर्थ वन कम्स हेयर, फ्रीज एंड थॉज. फ्रीज एंड थॉज क्या, मैंने टेम्परेचर वाले सेक्शन में आपको एक्सप्लेन किया था कि डे नाइट में थोड़ा सा टेम्परेचर वेरिएशन होने की वजह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स और क्रैक्स का क्रिएशन होता है. उन्हीं से आगे क्या होता है, मान लीजिए कोई रॉक है जिसमें फ्रैक्चर्स और क्रेविसेस हैं, अब उस पर वाटर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, रेनफॉल हुई, रेनफॉल होने की वजह से जो वाटर है वो उन्हीं क्रैक्स और क्रेविसेस के अंदर भर गया. लेटर मतलब डे टाइम में भर गया, नाइट टाइम में क्या हुआ, जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो रॉक कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो जो अंदर भरा हुआ उनके क्रैक्स और क्रेविसेस के अंदर भरा हुआ जो वाटर था वो जम जाएगा. अब जमने की वजह से क्या होगा, वो जो वाइड जो क्रैक्स और क्रेविसेस होंगे, जो फ्रैक्चर्स होंगे वो और वाइडन हो जाएंगे, जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा. जॉइंट्स एंड क्रैक्स इन द रॉक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रॉस्ट एक्शन. फ्रॉस्ट वेडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फिनोमेना वेयर वाटर एपिसोडिकली फ्रीज एंड थॉज एज इन टेम्परेट क्लाइमेट एंड माउंटेनियस रीजन्स. फ्रॉस्ट वेडिंग इज an efficient mechanical for mechanism for widening cracks in rocks. The breakage results from the expansion of the freeze water. जो freezed water उसका expansion होता है during the daytime. The water enters the cracks and the joints. And at the night time when the temperature falls below the 0 degree Celsius, it freezes. On freezing, its volume increases by 1/10 of the original. By this process, the rocks break and cracks widen. As the water freezes, it expands and exerting on an outward force strong enough to widen the open cracks. ठीक है? वही चीज़ जो मैंने आपको अभी explain करी. I hope so, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. ये बहुत most common क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन आप इसका देख लीजिएगा. फिर आता है हमारा फिफ्थ, फ्रॉस्ट हीविंग. फ्रॉस्ट हीविंग का क्या होता है, मतलब इट इज़ द स्लिपेज ऑफ
बोल्डर्स ऑन द स्लोपिंग एरियाज, मतलब कि माउंटेन पे से जैसे लैंडस्लाइड्स होते हैं या फिर जो रॉक्स होते हैं, बिग बिग मासेस ऑफ रॉक्स, वो स्लोप करके स्लाइड करके नीचे आते हैं, तो वही फ्रॉस्ट हीविंग के अंदर आता है. ओके ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, हमें इसे जल्दी कवर करना पड़ेगा. ओके तो इसे फास्टली हम समझते हैं. फ्रॉस्ट हीविंग में क्या होता है, इट इज़ अ स्लिपिंग ऑफ बोल्डर्स ऑन द स्लोपिंग सरफेस ड्यूरिंग द डे. वाटर फ्लोज बिलो द बोल्डर्स, ठीक है. वाटर जो होता है वो जो बोल्डर्स होते हैं, बोल्डर्स मतलब कि लार्ज मासेस ऑफ रॉक्स, उनके नीचे नीचे से फ्लो करता है. नीचे नीचे फ्लो करने की वजह से इन द नाइट टाइम इट फ्रीजेज एंड द वॉल्यूम ऑफ द फ्रोजन फिल्म ऑल्सो इंक्रीजेज. द नेक्स्ट डे वेन द आइस मेल्ट्स, ठीक है, आइस बिलो द बोल्डर्स मेल्ट्स, द बोल्डर्स मूव लिटिल फर्दर डाउन द स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. आफ्टर अ पीरियड इट रीचेज डाउन द स्लोप कन्वर्टिंग इट अ कंसिडरेबल डिस्टेंस. मतलब कि जो पानी होता है वो उन बोल्डर्स के नीचे जमा हो जाता है. अब डे टाइम में क्या हुआ, ड्यू टू द सन क्या हुआ, जो वाटर था वो पिघल गया. वाटर पिघलने की वजह से क्या हुआ, जो मास था जो थोड़ा एक्सपेंडेड था वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट वो होगा, थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा. एक्सपेंड होने की वजह से कुछ मूवमेंट हमें दिखेगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्रॉस्ट हीविंग. नेक्स्ट हाइड्रोलिक एक्शन ऑन द रॉकी शोर लाइन, पावरफुल फोर्स ऑफ ब्रेकिंग वेव्स फोर्सेस द वाटर इनटू द क्रैक्स एंड द फ्रैक्चर्स इन द रॉक्स. वेव एक्शन वाइडन द क्रैक्स एंड द हाइड्रोलिक एक्शन डैमेजेस द क्लिफ्स एंड द अदर टाइप्स ऑफ द कोस्टल आउटक्रॉप्स. अब हाइड्रोलिक एक्शन में क्या आता है, मतलब रॉकी शोर लाइन्स पे, जिसमें रॉकी शोर लाइन का क्या मतलब है, वो एरिया जहाँ पे बहुत सारी रॉक्स हों. अब पावरफुल फोर्स ऑफ ब्रेकिंग वेव्स जो हैं, मींस वाटर का एक्शन, लाइक आप ये समझ लीजिए समुद्र के पास वाला जो एरिया होगा वहाँ पर, अब जो हाई वेव्स होंगी वो स्ट्राइक करेंगी उस सरफेस पे, जिसकी वजह से क्या होगी, क्रैक्स और क्रेविसेस जो होंगे उसके अंदर पानी भर जाएगा. अब लेटर वही सेम चीज़ रिपीट होगी, पानी भर गया, क्रैक्स जो होंगे वो वाइडन हो जाएंगे एंड हाइड्रोलिक एक्शन की वजह से रॉक्स जो होंगी वो डैमेज हो जाएंगी एंड देन डिसइंटीग्रेशन विल अकर. द लास्ट वन कम्स हेयर, एक्शन ऑफ ग्रेविटी. अब ग्रेविटी का क्या एक्शन होता है, इट एक्सपोजेस द फ्रेश सरफेस ऑफ द रॉक फ्रॉम वेदरिंग एजेंट्स, वेदर्ड रॉक मटेरियल्स फॉल्स डाउनवर्ड्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. अब ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, रॉक्स मटेरियल्स जो होते हैं वो नीचे गिरने लगते हैं. नीचे गिरने की वजह से क्या होता है, स्लाइड करने की वजह से, लैंड स्लाइड होने की वजह से वो टूट जाते हैं. टूटने का मतलब क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ. इस तरीके से ऐसे भी डिसइंटीग्रेशन होता है. ओके सो टोटल हमने यहाँ पर 7 फैक्टर्स या फिर आप समझ लीजिए टाइप्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग पढ़ी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. अब नेक्स्ट में हम केमिकल वेदरिंग को कवर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.